आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने पर क्या आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, पैसा रिफंडेबल होता है या नहीं होता है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसे आप डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंसिल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। कैंसिल फॉर्म देने के पहले एक नोट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यू हैव ए रेडी टू बाय द न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू हैव द कैंसिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बट एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। यानी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रिफंड अथी करते हैं तो आपका रिफंड नहीं दिया जाएगा, यानी आपको पैसा को रिफंड नहीं दिया जाएगा। जैसे कि डिटेल आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कुछ किसी कारणवश मेरा यहाँ पर गलत हो गया है, इसलिए मैं इस फॉर्म को कैंसिल कर रहा हूँ। तो कैंसिल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर एक OTP आपको मोबाइल नंबर पर जाएगा, जिस OTP आपको दिया होंगे उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है, यहाँ पर OTP को फिलअप करना है। OTP को मैं डाल देता हूँ, डाल करके आपको दिखलाता हूँ किस तरह से होता है। तो जैसे ही आप अपना जो OTP आप डाल करके फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपको कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलअप करना है। फिर से आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन वाले ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना। ओके वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल्ड हो गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद आपको फिर से एक आध घंटा वेट करना है, वेट करना या एक दिन वेट कर लेना, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए मैं आज सिर्फ न्यू फॉर्म भी आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। या तो आप कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, उसके जगह पर दूसरा नंबर डाल सकते हैं, आपका ईमेल आईडी को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद आपको डाल करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे और अपना फिर से नया फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और इसका पैसा रिफंडेबल नहीं होता है, इसका कोई भी रिफंड नहीं करता है। तो ये थी इनकी जो भी वेबसाइट है, इनके द्वारा कोई भी एक ही बार एडिट का ऑप्शन देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं। यानी आप हर जगह देखते होंगे कि लास्ट में एडिट का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इसमें यहाँ नहीं दिया गया, इसमें फर्स्ट बार ही दिया गया है। जहाँ से आपको भारी मिस्टेक हो जाता है तो आपको कैंसिल करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।